नमस्कार सर, मेरा नाम मोनिका है। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? हेलो मैम, मैं नीरज बोल रहा हूँ देहरादून से। मेरी एक इकोनॉमी होस्टिंग 2 मंथ पहले एक्सपायर हो गई थी, तो क्या अब मैं उसको रिन्यू करवा सकता हूँ? 1 मिनट का वेट दीजिए सर, मैं चेक करके आपको बताती हूँ। ओके मैम। सर, क्या ये नंबर आपका रजिस्टर नंबर है? हाँ जी मैम। 2 सेकंड वेट। ओके ओके सर, तो मैं देख पा रही हूँ आपकी होस्टिंग 3 अक्टूबर को एक्सपायर हो गई थी, और होस्टिंग एक्सपायर होने के बाद 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, लेकिन अब 2 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं तो आप वो रिन्यू नहीं करवा सकते, तो आप न्यू ले लीजिए ना। मैम, मैंने ऑलरेडी वर्डप्रेस होस्टिंग ले रखी है। जी सर, मैं देख पा रही हूँ आपकी वर्डप्रेस होस्टिंग भी इस मंथ एक्सपायर होने वाली है, क्या आप रिन्यू करवाना चाहेंगे? जी मैम, 1 ईयर के लिए कितना चार्ज पड़ेगा इसका? सर, 1 ईयर के लिए इसकी प्राइस है 11,162। अरे मैम, ये तो बहुत ज़्यादा है, ठीक ठीक लगा लो। ओके सर, अपन देख लेते हैं कुछ डिस्काउंट पड़ता है तो। सर, ओके मैम। 10% डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद ये आपको 10,045 की पड़ेगी। थैंक अरे मैम, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। यू सर। वैसे आप महाराष्ट्र से हो क्या? हाँ जी सर। एंड शायद नागपुर से एग्जैक्टली? हाँ जी सर, बट आपको पता कैसे है? नहीं, आपने अभी अपन बोला था ना, तो उससे लगता है कि आप साउथ की साइड से हो और आपकी कंपनी का ऑफिस नागपुर में ही है, तो इसलिए। जी, अच्छा, मुझे लगा कि आप मुझे जानते हो। जानना चाहता हूँ। जान लीजिए सर, बट आप बताइए, आप होस्टिंग रिन्यू करवाना चाहते हैं? सर, मैम थोड़ा और डिस्काउंट भी तो दो, बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। थोड़ा दिया तो मैंने। सा और देख लो ना, अब तो हम दोस्त बन चुके हैं, थोड़ा पर्सनल लेवल पे डिस्काउंट देख लो। अच्छा, चलो मैं देखती हूँ कुछ हो पाता है तो। ओके मैम, सर, क्या मैं आपका एक कॉल होल्ड पर रख सकती हूँ? होल्ड पर रख कर क्या करोगे, ऐसी बात कर लो ना। ओके सर। वैसे आप सिंगिंग भी करते हो क्या? नहीं सर, ऑफिस से छुट्टी मिले तब से सिंगिंग करूँ। अरे मैम, आपको तो रेडियो जॉकी होना चाहिए था। अच्छा जी, अगर आप आरजे होते तो मैं कभी चैनल ही नहीं बदलता। थैंक्स सर। अच्छा, मैंने आपका डिस्काउंट अप्लाई कर दिया है, अभी आपको 7,813 रुपीज़ की पड़ेगी। सर, अरे मैम, अभी भी ज्यादा है, थोड़ा सा और कम कर दो बस। मैंने अपना पर्सनल 30% डिस्काउंट आपने अप्लाई किया है, अब इससे ज़्यादा सस्ता क्या पड़ेगा? अरे थोड़ा सा और देख लो ना मैम। वो कैसे? अच्छा, तो 10% डिस्काउंट मैं खुद ले लूं? सर, आप बात कर लीजिए, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये कॉल गुणवत्ता और प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड की जाती है। ओके मैम, कोई बात नहीं, होने तो रिकॉर्ड, डेली हजारों कॉल रिकॉर्ड हो रही है, कौन सुन रहा है इन्हें। सर, मुझे भी आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके मेरा माइंड रिफ्रेश हो गया है, बट मैं अभी ऑफिस में हूँ ना। तो मैम एक काम करते हैं, हम कोड में बात करते हैं। ओके। अच्छा तो फिर बताओ, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1996 से पहले है तो 1 दबाएं, और बाद में है तो 2 दबाएं। नंबर 2। भगवान, मैंने सुना था आपने हर किसी के लिए किसी ना किसी को बनाया है, आज यकीन हो गया। सर, जवाब तो मैं बहुत देना चाहती हूँ, लेकिन ऑफिस में हो ना। कोई बात नहीं जी, आपके पास मेरा नंबर तो है, वहां मैसेज कर देना। सर, पर्सनली अकाउंट चेक नहीं कर सकती, रूल्स के अगेंस्ट है। कोई बात नहीं जी, इंस्टाग्राम में आप बात कर सकते हो मेरे से, आपके लिए तो बनाया मैंने, मेरी इंस्टा आईडी है नीरज जोशी 5014। ओके सर। तो आप होस्टिंग खरीद रहे हैं? जी इतनी जल्दी भी क्या है होस्टिंग लेने की, अभी थोड़ा बात कर लेते हैं, अभी तो वैसे भी एक्सपायर नहीं होने वाली है वो। अच्छा ठीक है सर, एक काम करते हैं, आप लास्ट डे परचेज कर लेना, मैं आपको डेली कॉल करती रहूंगी और पूछती रहूंगी कि आपको परचेज करना है कि नहीं, इसी बहाने हमारी बात भी हो जाएगी। अरे वाह, आइडिया तो मस्त है, ऑफिस में भी बात और घर जाकर इंस्टा पर भी होगी। सर, आप कल बात करें। हाँ बट कल आपने कॉल नहीं किया तो मेरे दिल में तो डेंट आ जाएगा। सर, मैं आपका फॉलो अप सेट कर लेती हूँ, फिर खुद नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको कॉल करना है कि नहीं। ओके जी, ओके सर, मैं और आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? मेरे साथ डेट पर चलकर। ओके सर, बाय। Oldies, brothers, my guys, know that we fly, know that they ride or die.
Why do you wanna move like that? Where you want gone?